हर इंसान को ना मोटिवेशन की बड़ी जरूरत होती है। आप देखो आदमी लोग घर में बड़े बड़े मोटे रहते रहते कि नहीं पांडे जी, उनका मन ही नहीं करता जिम जाने का। लेकिन एक दिन बीवी बोल देना कि अगर तुम पतले नहीं हुए तो मैं तुम्हें परियों की कहानी नहीं सुनाऊंगी, फिर आदमी ना फिर चला जाता है वो जिम, क्योंकि परियों की कहानी तो सुननी होती है। तो इसलिए मोटिवेशन की बड़ी जरूरत है। अच्छा, एक और मोटिवेशन कोट सबके पास आता है, आपके पास भी आया होगा, जिसमें लिखा होता है ना कि ये आपका नजरिया है कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। पांडे के पास मैसेज आया, ये रिप्लाई करने लग गया, पहले बताओ गिलास किस चीज से भरा है आधा, ताकि मैं समझ सकूं कि अगर तो पानी है तो इसमें और क्या मिलाना है, और अगर कुछ और है तो पानी कितना मिलाना है। बहुत मोटिवेट होता रहता है ये। माएं अपने बच्चों को मोटिवेट कैसा करती है कि अगर तुम अच्छे अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें मैं मोबाइल दिलाऊंगी। बच्चा मेहनत करता है, मोटिवेट होता है, अच्छे नंबर भी ले लेता है, फिर मोबाइल भी ले लेता है। वो बात अलग है कि उसी मोबाइल से बाद में बाप का वीडियो बनाता है पड़ोसन से बात करते हुए। फिर वो बाप को मोटिवेट करता है कि अगर आप चाहते हैं कि मम्मी को ये वीडियो नहीं दिखाऊं तो मुझे लैपटॉप ले दो। तो मोटिवेशन जो जिंदगी में बड़ी जरूरी है। आपकी भी अगर मैं बात करूं, आपको भले ही यहां तक पहुंचने में मोटिवेशन ना मिली हो, मोटा वेतन तो मिलता ही है ना, तो मोटा वेतन भी मोटिवेशन से कम नहीं होता, वो भी मोटिवेशन है। कुछ लोग इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं, सिर्फ 3 महीने में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे। ये हमारा आकाश है ना तबले पे, इसने ज्वाइन कर लिया, इसने ये नहीं देखा कि जो इंग्लिश सिखाने वाला है वो ऐड तो हिंदी में दे रहा है। तो बेचारे ने 15,000 रुपये खर्च किया, 3 महीने में अंग्रेजी आई नहीं। फिर इसने एक दिन 200 रुपये का पौआ लिया, वो पी के इसने अंग्रेजी में गालियां दी ऊपर सिखाने वाले को, कहता जब मैं 200 रुपया खर्च करके फराटेदार इंग्लिश बोल लेता हूँ, तूने 15,000 की बात कर ली है। अब ये रोज इंग्लिश बोलता है सिवाय ड्राई डे के, 200 रुपये में फराटेदार इंग्लिश। अच्छा आप लोग देखो, कई लोग ना सुबह सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग लिख के ना साथ में एक मोटिवेशनल कोट चिपका के फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे ऐसे पीछे पूरा म्यूजिक होता है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। इफ यू आर नॉट सीरियस यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज, इफ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर लाइफ यू कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा ये जो लाइफ चेंज करने वाली बातें कर रहा होता ना आदमी, ये इतना भी चेंज नहीं करता कि जिसने उसको मैसेज भेजा है उसका नाम ही चेंज कर दूं। सुंदरलाल होके मोहनलाल का मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, बताओ। रवीना जी, एक आपके बारे में एक किस्सा सुना है कि शूल फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म थी और बड़ा कमाल का काम किया था आपने, पर हमने सुना है कि रामगोपाल वर्मा पहले आपको कास्ट नहीं करना चाहते थे उस फिल्म में। उनको क्या लगा था कि मतलब बीवी इतनी सुंदर होगी तो ठाणेदार ड्यूटी पे नहीं जाएगा, उसका रीजन क्या था, मतलब सच्ची कहानी? आई थिंक एक्चुअली कुछ ऐसा ही था, वो कहते थे रवीना जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे रवीना मंजरी भाभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गोली चलाती रहेगी। तो शूल में वो कैरेक्टराइजेशन कुछ फिट नहीं करेगा, लेकिन आई थिंक जो डायरेक्टर थे ई निवास, ही वॉज वेरी यंग एंड आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी सॉलिड ऑफ हिम। तो ही वॉज वेरी वेरी श्योर कि नहीं, यू आर ओनली मंजरी भाभी। तो इनफैक्ट ऐसा हुआ कि हम फोटो शूट कर रहे थे उसके लिए, जो पोस्टर्स थे जितने आपने देखे स्टिल्स जो हम होर्डिंग्स पे लगाते हैं, उसका शूट फिल्म शूट होने से पहले हुआ था। अच्छा। तो हम लोग राकेश श्रेष्ठा जी के यहाँ शूट कर रहे थे एंड मैं मेकअप रूम से निकली टू गो एंड गिव माई पिक्चर्स, तो मैं क्रॉस कर रही थी और रामू सामने से आ रहे थे और उन्होंने मुझे क्रॉस किया एंड आई सेड हाय रामू हाउ यू डूइंग यू जस्ट कम, तो उन्होंने मुझे हेलो अच्छा करके ऐसा एक हेलो दिया और निकल गए आगे। मैं कहा यार ये तो बड़े गुस्से में, ही रियली डजंट वांट मी इन द मूवी, कि इनको तो ये बड़ा कोल्ड इनका रिएक्शन था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हिम्मत तो हारनी है नहीं। तो हम गए कैमरा के पीछे शुरू हो गए और वो जो जितने स्टिल से आपने देखे वो तो, और शीनू बोलता गया कि नाउ आई वॉन्ट क्राइंग, नाउ आई वॉन्ट दिस इमोशन दैट इमोशन, तो आई स्टार्टेड इमोटिंग इन फ्रंट द कैमरा। सडनली पीछे से सुनाई देता ओ रवीना, तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, देखो तो रामू खड़े हुए कैमरा के पीछे, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। एंड देन ही केम इन फ्रंट, ही सेड ओ माय गॉड इट वाज यू, ही सेड या आई एम सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, एंड आई सेड ओके नाउ आई रेस्ट माय केस, नाउ यू थिंक आई कैन डू द फिल्म, ही सेड यस यू कैन डू द फिल्म मैडम। आपको पता है जब अर्चना जी पहली बार सुधा जी नवीन नई नई आई मुंबई, तो इन्होंने कई नरेशन ली और इनको स्टोरी भी नहीं पसंद आई और वो बंदा इनके खाते से चाय पी के चला गया। उसके बाद इनको ऐसी आग लगी तन बदन में, तो इन्होंने क्लियर रख लिया अपना एक पूरा ही प्रोटोकॉल रख लिया कि कोई भी नरेशन लेगा मैं नरेशन लूंगी रेस्टोरेंट में, और इन्होंने बोल के रखा है कि अगर मुझे कहानी पसंद आ गई तो बिल तुम दोगे और अगर मुझे कहानी पसंद नहीं आई तो बिल तो तुम दोगे, मेरा ऑटो का भाड़ा भी तुम दोगे। कपिल जी, आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, लास्ट मंथ आई वेंट टू टेल्को पुणे, नाउ इट्स कॉल्ड टाटा मोटर्स बोलते हैं,
और 50 साल के बाद मैं जा रहे थे, 49 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बाद। अच्छा जी। और मोमेंट आई एंटर द कार डिवीजन, उधर 300 लड़कियां है, 300 लड़कियां कार असेंबली करते हैं। द मोमेंट आई वेंट देयर आई सडनली आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो उनको लगा कि मैं इमोशनल हो गई। नहीं, इमोशनल क्यों हो गई, क्यों? क्योंकि मैं मेरे पापा को, मेरे फादर को मैं याद किया। अरे ये सब मान सम्मान मुझे आज मिलता है, इसके पीछे मेरे पापा थे, मेरे फादर थे। वो इंजीनियरिंग 1968 में मुझे इंजीनियरिंग, सबके सब बोलते थे नहीं डालना, नहीं जाना, उस समय मुझे इतना हिम्मत दिया। और ये सब अवार्ड उनके लिए ही है, मेरे लिए नहीं। हम तीनों लकी हैं। हम ऑलवेज जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम तीनों अपने आप में एम्पावर्ड विमेन हैं। ऑलवेज ऐसा नहीं है कि हम मेल बैशिंग करते हैं। हाँ, यस, वी विमेन हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, हमें एक अलग तरीके की शक्ति होती है, सब अपने अपने में बने हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि दोज आर दोज फादर्स ऑल्सो जिन्होंने अपनी बेटियों को इक्वली अपब्रिंगिंग दी है और उनमें वो शक्ति और हिम्मत दी है कि तुम आगे बढ़ो। एक बार मुझे फर्स्ट रैंक मिला, मुझे लगा अरे ये मर्द लोग क्या करेंगे, हम उनसे बेहतरीन है। ऐसे लोग बोलने दो, इंजीनियरिंग सिर्फ मर्दों का काम है, उनसे बेहतरीन मैं काम करती हूँ। एब्सोल्युटली। नारायण मूर्ति बोलते हैं, वो काम करते थे फॉर द लास्ट व्हेन वी स्टार्टेड इन्फोसिस, नेक्स्ट 30 ईयर्स ही वी डिड नॉट गो फॉर अ हॉलीडे। Wow. We didn't go for a holiday because always 24/7 365 days Narayan Murthy काम करते थे। और एक साल में 220 दिन वो टूर करते थे। And I never expected anything from him. I brought up both children and nothing he knew about the house. So when children went out, Narayan Murthy को उसके एहसास हुआ कि हमने कितने काम की उनके साथ दिया। लेकिन वो बाद में वो बता दिया, आप काम करो, अभी आपको क्या चाहिए वो करना चाहिए, मैं साथ देता हूँ। सो आई हैव हैंडल्ड 40 नेशनल डिजास्टर, आई एम नेवर एट होम एंड आई एम ऑलवेज आइदर सुनामी और ड्रॉट और कोविड सिचुएशन। सो आई एम नॉट एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ माई वर्क। एंड नारायण मूर्ति ऑलवेज सेड इट इज़ हर पैशन, लेट हर एक्सेल। She gave me support when I was doing Infosys. So I will give her support when she is excelling. Sudha ji, you are full of surprises. Yeah. And all wonderful, beautiful, delightful surprises. It's such a pleasure to meet you because हमारे इतने सारे guests आते हैं, लेकिन you are one of the most unique and most precious guests. बहुत सारे जो जोड़े हैं, पति पत्नियां हैं, उनको इन आज बातों से बड़ी शिक्षा मिलेगी। और कई जिनके हस्बैंड टीवी पे काम करते हैं, उनको भी ये शिक्षा मिलेगी कि 9 बजे पैकअप हुआ तो 9:01 पे फोन आ जाता है कि कहाँ हो, उनको भी काफी शिक्षा मिलेगी इसको।